Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video, we will discuss a problem which is used to convert a given CFG into its equivalent GNF. यानी कि आपको एक CFG दे रखी होगी और आपको equivalently GNF में convert करना है. CFG stands for context free grammar and GNF stands for Graybeck normal form. यानी context free grammar को Graybeck normal form में convert करना है. ये जो प्रॉब्लम है ये आपके AKTU एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल आया था 2018-19 में. उस प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं, किस तरीके से इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे, यानी कि CFG से कन्वर्ट करेंगे हम GNF में. तो सबसे पहले किसी भी अगर आपको CFG को कन्वर्ट करना है GNF में, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या उसमें कोई नल प्रोडक्शन तो नहीं है. नल प्रोडक्शन के बाद चेक करते हैं कोई यूनिट प्रोडक्शन तो नहीं है. यूनिट प्रोडक्शन के बाद चेक करते हैं कि उसमें कोई यूजलेस प्रोडक्शन तो नहीं है. तो अगर हम देखें इस प्रॉब्लम में, न तो हमारा कोई नल प्रोडक्शन है, न ही कोई हमारा यूनिट प्रोडक्शन है और न ही कोई हमारा यूजलेस सिंबल है. इसका मतलब है कि हम अब अगले स्टेप पे जा सकते हैं. अगला स्टेप क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि कोई भी ग्रामर GNF में कब होती है. ठीक है, तो ये दो रूल्स हैं GNF पता करने के, जो कहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनल ही होना चाहिए. दोनों रूल्स क्या कहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, एंटी, एंटी स्टैंड फॉर नॉन टर्मिनल, कि लेफ्ट हैंड साइड में तो नॉन टर्मिनल होना चाहिए. राइट हैंड साइड के लिए क्या रूल है कि राइट हैंड साइड में या तो एक सिंगल टर्मिनल होना चाहिए. पहला रूल क्या कहता है कि लेफ्ट में सिंगल नॉन टर्मिनल, सिंगल वेरिएबल, और राइट में सिंगल टर्मिनल. एक तो ये अलाउड है आपका GNF में कि राइट हैंड साइड में एक टर्मिनल हो. या फिर क्या अलाउड है कि राइट हैंड साइड में पहली वैल्यू तो आपकी टर्मिनल हो और उसके बाद कितने भी वेरिएबल्स हों. हो सकता है एक वेरिएबल हो, दो वेरिएबल हो, तीन वेरिएबल हो, चार वेरिएबल हो, लेकिन शुरुआत में सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक सिंगल टर्मिनल और उसके बाद कितने भी वेरिएबल. जैसे मैंने एग्जांपल लेके दिखाया है कि जैसे ए टेंड्स टू ए है, तो लेफ्ट में नॉन टर्मिनल है, राइट में सिंगल टर्मिनल है, इस रूल को फॉलो कर रहा है, तो ये आपका अलाउड है. इसको देखिए, सिंगल टर्मिनल के बाद सिंगल वेरिएबल अलाउड, सिंगल टर्मिनल के बाद दो वेरिएबल्स अलाउड, सिंगल टर्मिनल के बाद तीन वेरिएबल अलाउड, सिंगल टर्मिनल के बाद चार वेरिएबल अलाउड. इस तरीके से सिंगल टर्मिनल हो या सिंगल टर्मिनल के बाद कितने वेरिएबल्स हों, वो सब अलाउड है किसमें, GNF में. तो इस तरीके से ये दो रूल्स का आपको ध्यान रखना है कि ये दो रूल्स फॉलो होने चाहिए हमारे किसमें, Graybeck नॉर्मल फॉर्म में. अब हम प्रॉब्लम ले लेते हैं एस टेंड्स टू ए ए स्लैस ए और ए टेंड्स टू एस एस स्लैस बी. अगर हम प्रॉब्लम को देखें सबसे पहले, तो प्रॉब्लम में दो प्रोडक्शन ऐसे हैं हमारे जिसमें ऑलरेडी आपका GNF सेटिस्फाई हो रहा है. कौन कौन से प्रोडक्शन है, अगर हम ये वाली प्रॉब्लम को यहाँ लिखते हैं, तो एक तो हमारा एस टेंड्स टू ए, ये वाला एस टेंड्स टू स्मॉल ए, और एक ए टेंड्स टू स्मॉल बी. ये दोनों क्या हैं, ऑलरेडी हमारे फॉलो कर रहे हैं किसको, GNF को. तो ये दोनों प्रोडक्शन तो ऑलरेडी किस में है, आपके GNF में हैं. तो एस टेंड्स टू स्मॉल ए और ए टेंड्स टू स्मॉल बी, इसको आपको टच करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके ऑटोमेटिकली आंसर में आएंगे. यानी एक तो ये प्रोडक्शन आपका आंसर में आ गया, एक ये दो प्रोडक्शन आ गए, दो हमारे पास प्रोडक्शन आ चुके हैं ऑटोमेटिकली जो हमारे आंसर में इंक्लूड होंगे. ठीक है, बाकी प्रोडक्शन हम निकालते हैं. कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हमें किसके लिए निकालते हैं, एस टेंड्स टू ए, ये जो दे रखी है पहली इक्वेशन एस टेंड्स टू कैपिटल ए कैपिटल ए, इसके लिए निकालते हैं. ठीक है, तो हम क्या करें कि जो एस टेंड्स टू कैपिटल ए कैपिटल दे रखा है, इसको इस तरीके से हम रीडिजाइन करें कि हमें क्या मिल जाए, इन रूल्स को फॉलो करते हुए, जीने वाले रूल्स को फॉलो करते हुए ग्रामर मिले. तो एस टेंड्स टू ए में मैं क्या क्या कर सकता हूँ जिससे कि GNF में आ जाए. अगर मैं ए की वैल्यू स्मॉल बी रख दूँ, भाई एस टेंड्स टू ए है, मुझे क्या चाहिए, ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाए कि GNF में आ जाए. यानी या तो सिंगल टर्मिनल आए या सिंगल टर्मिनल के पास वेरिएबल्स आ जाए. तो अगर मैं इस ए की वैल्यू यहाँ से ए टेंड्स टू स्मॉल बी रख देता हूँ, ए की वैल्यू मैंने स्मॉल बी रख दी इस वाली इक्वेशन में, तो क्या आ गया, एस टेंड्स टू बी आ गया. यानी ए की वैल्यू मैंने क्या रख दी, स्मॉल बी. तो ये वाला प्रोडक्शन आया, क्या ये फॉलो कर रहा है GNF को, हाँ फॉलो कर रहा है. इसका मतलब एक नया नंबर प्रोडक्शन नंबर थ्री मेरे को मिल गया जो GNF में है, अगर मैं ए की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में ए की वैल्यू स्मॉल बी रखूँ. ठीक है, अब और क्या पॉसिबिलिटी, एक तो मैंने निकाल ली GNF की वैल्यू, अब ए की वैल्यू एक तो मैंने रख दी स्मॉल बी, और ए की वैल्यू क्या है, एस एस बी है. ए की वैल्यू दो हैं, एस एस या स्मॉल बी, तो स्मॉल बी से तो मुझे ये मिल गया प्रोडक्शन. अब क्या रखूँगा मैं, ए की वैल्यू एस एस रख दो. ठीक है, अब
ए क्या है हमारा, दो जगह आ रहा है, ए यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है, ठीक है। तो मुझे रखना इस तरीके से कि मेरे को जी एन एफ वाले फॉर्मेट में आया। तो मैंने क्या किया, पहले ए की वैल्यू क्या रख दी, यहाँ से एस एस रख दी, किस वाले में, पहले वाले में। तो एस टेंस टू ए की वैल्यू मैंने क्या रखी, एस एस, एस एस, और दूसरा वाला ए एज इट इज रहने दिया, यानी पहले वाले ए में एस एस रख दिया और बाद वाला ए एज इट इज रहने दिया, ठीक। अब एस टेंस टू एस एस ए आ गया, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे तो जी एन एफ वाली फॉर्मेट चाहिए। तो एस एस ए को जी एन एफ वाले फॉर्मेट में कैसे लाया जा सकता है, अगर मैं एस की वैल्यू यहाँ पर चेंज कर दूँगा, एस की जगह मैं क्या रख दूँ, स्मॉल ए, एस टेंस टू स्मॉल ए, अगर मैं एस की वैल्यू स्मॉल ए रख दूँ तो ये क्या आ जाएगा भाई, सिर्फ इस वाले एस की वैल्यू रखी है स्मॉल ए, एस की वैल्यू स्मॉल ए रख दिया तो क्या आ गया, स्मॉल ए कैपिटल एस कैपिटल ए। क्या ये अब जी एन एफ में, हाँ, इतने इक्वेशन आ गए मेरे पास, ठीक है। ये कैसे निकाली मैंने, इस वाले ए की वैल्यू एस एस रखकर, नहीं निकल आई, जी एन एफ फॉर्मेट में आ गई। दूसरा क्या है, मैं इस वाले ए में ना रखूँ, किस वाले ए में रखूँ, इस वाले ए में, ठीक। तो मैंने क्या किया, एस टेंस टू पहला ए एज इट इज रहने दिया, दूसरे वाले ए की वैल्यू क्या रख दी, एस एस, दूसरे वाले ए की जगह क्या रख दी मैंने, एस एस रख दी, ठीक। अब फिर वही चीज़ कि मुझे किस में चाहिए, जी एन एफ में चाहिए। तो मैंने क्या किया, ये वाला जो पहले वाला ए है इसकी वैल्यू क्या रख दी, स्मॉल बी, इसमें क्यों रखी, जिससे कि ये जी एन एफ वाले फॉर्मेट में आ जाए। तो स्मॉल ए की वैल्यू बी रखते ही किस फॉर्मेट में आ गया, बी एस एस, ठीक। ये मेरी क्या हो गया, एक नया प्रोडक्शन हो गया जो जी एन एफ में है। तो मैंने क्या किया है, एक बार तो ए की वैल्यू स्मॉल बी रखी है, उससे मुझे मिली हुई। दूसरा क्या है, मैंने एक बार पहले वाले ए की वैल्यू एस एस रखी, जिससे ये मिला, और दूसरी बार मैंने क्या किया, इस वाले ए की वैल्यू एस एस रखी, जिससे मुझे एक और नया प्रोडक्शन मिला। तो ये तीन प्रोडक्शन और मेरे किस में आ गए, जी एन एफ में आ गए, किस इक्वेशन के लिए, एस टेंस टू ए के लिए, ठीक। अब बची कौन सी इक्वेशन मेरी, ए टेंस टू, भाई एस टेंस टू ए के लिए तो मैंने सारे कॉम्बिनेशन ट्राई कर लिए, उनसे तीन नए कॉम्बिनेशन आ गए मेरे पास, ठीक। अब मैं क्या करूँ, ए टेंस टू एस एस लूँ, कौन सा लूँ, ए टेंस टू एस एस, क्योंकि एस टेंस टू ए से तो ये आ गए, तो मुझे अब एस टेंस टू ए लिखने की जरूरत नहीं है, उनकी जगह मैं तीनों प्रोडक्शन लिख दूंगा। लेकिन मुझे इसको भी तो हटाना है, ये भी तो नहीं चाहिए मुझे आंसर में ए टेंस टू एस एस। तो ए टेंस टू एस एस पे कैसे हम रूल अप्लाई करेंगे, तो जैसे हमने यहाँ पर लगाया है लॉजिक, वही लॉजिक हम यहाँ पर लगाएंगे। देखिए कैसे, ए टेंस टू एस एस है, सबसे पहले मैं क्या करूँ, इस एस की जगह क्या रख दूँ, एस टेंस टू स्मॉल ए, एस टेंस टू स्मॉल ए रख दिया, ए एस आ गया। क्या एच जी एन एफ में है, हाँ एच जी एन एफ में, एक नई इक्वेशन आ गई। दूसरा क्या है, ए टेंस टू एस एस है, मैं एस की वैल्यू क्या रख दूँ, एस टेंस टू क्या है, ए, एस की वैल्यू मैंने क्या रख दी, एस। अब ए एस में मैं क्या रखूँ कि जी एन एफ में कन्वर्ट हो जाए, तो ए की वैल्यू क्या रख सकता हूँ, बी, तो मैंने ए की वैल्यू क्या रख दी, बी रख दी। तो ये क्या हो गया, ए टेंस टू बी ए एस, क्या ये अब जी एन एफ में है, हाँ ये जी एन एफ में, ये निकल गया मेरा। अगला क्या है कि मैं इस पहले वाले एस में वैल्यू ना रखूँ, दूसरे वाले में रखूँ। भाई मैंने क्या किया था अभी, इससे पहले ये जो निकाला है, इस वाले एस में ए रखा था, अब मैं क्या करूँ अगली बार, इस वाले एक्स की जगह रखूँ, क्या रखूँ, ए। तो देखिए ए, पहला वाला एस एज इट इज रहने दिया, दूसरे वाले एस की जगह मैंने क्या रख दिया, ए, दूसरे वाले एस की जगह ए रख दिया। अब फिर वही चीज़ की मुझे जी एन एफ में चाहिए, तो मैं एस की वैल्यू क्या रख दूँ, एस की वैल्यू स्मॉल ए रख दूँ, तो मेरा क्या आ गया, स्मॉल ए कैपिटल ए कैपिटल ए। क्या ये जी एन एफ में है, हाँ ये जी एन एफ में, तो ए टेंस टू स्मॉल ए कैपिटल ए कैपिटल ए, ये एक नई इक्वेशन आ गई, ठीक। तो ये दो इक्वेशंस मेरी हट गई, एक तो ये हट गई और एक ये हट गई, ठीक। दो तो ये ऑलरेडी थी मेरी जी एन एफ में, और इसके अलावा सिक्स न्यू इक्वेशंस ये आ गई। तो मेरे आंसर में क्या आ जाएगा, दो तो ये इक्वेशंस आ गई, उसके अलावा तीन इक्वेशन ये आई, थ्री फोर फाइव, और उसके अलावा सिक्स सेवन एट, तीन इक्वेशन ये। नाउ यू कैन सी ऑल आर इन द ग्रे बैक नॉर्मल फॉर्म, सिंगल टर्मिनल राइट हैंड साइड में या सिंगल टर्मिनल के बाद कितने भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कन्वर्जन फ्रॉम सी एफ जी टू इट्स इक्विवेलेंट ग्रे बैक नॉर्मल फॉर्म। आई होप यू अंडरस्टैंड how we convert the given CFG into the GNF. If you have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you so much.